श्री क्षत्रिय युवक संघ की यहाँ पर बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई है और उसके अंदर हर जगह से क्षत्रिय यहाँ पर पहुंचे हैं। सुखदेव सिंह गोगा मेडी वो भी यहाँ पर हैं। पूछना चाहते हैं कि जैसे आपकी संस्था करनी से ना बहुत ही एग्रेसिव स्टांस रखती है, ये क्षत्रिय युवक संघ है, ये संस्कार निर्माण पे काम करता है, तो मतलब इन दोनों संस्थाओं को आप एक साथ काम करता कैसे देख पाते हैं? आज आपने देखा ना, एक साथ सब क्षत्रिय एक साथ आज आए हैं। भारत के हर कोने से निकल के आए हैं, राजस्थान के हर कोने से निकल के आए हैं और ये क्षत्रियों की ताकत देख के काफी लोगों के पेट में दर्द भी हो रहा है। होए तो होए, हम तो सब एक हैं। मैं नारा लगवाता हूँ हर मंच से, मैं बोलता हूँ हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी, ये नारा पूरा भारत में गूंजता है और वो आज आपने देखा राजस्थान में गूंज रहा है और राजस्थान की ये आवाज पूरे विश्व के अंदर जाएगी। पत्थर को भी कर दे पानी, सवाल पूछ ले, सवाल सवाल भी कर दे पानी, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी, सवाल पूछने दो। हाँ सुखदेव जी, ये आपसे और जानना चाहेंगे कि मतलब कई सारी आपने मांगे अलग अलग मंचों के ऊपर उठाई है, एक एक मांग के बारे में तो यहाँ पर बात भी हुई है कि जो राजपूतों को आरक्षण दिया गया है, आर्थिक पिछड़ा वर्ग को, उसके अंदर हर किसी की कोशिश थी, आप लोगों ने भी बहुत ही उग्र कोशिश करी थी और कईयों ने अलग से डिप्लोमेटिक कोशिश की थी, तो इसके अंदर आप किसका ज्यादा मानते हैं कि किसकी वजह से ज्यादा फर्क पड़ा होगा? राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने आर्थिक आधार पर मांग उठाई थी और आर्थिक आधार पर मिल गया, अब मिलने के बाद सभी क्षत्रियों का है, ये तो हम कहते नहीं भी करनी सेना का अकेले का है, सब लोगों ने मिलकर के लड़ाई लड़ी थी और सब लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, तभी 10% आरक्षण मिला था और उसका नतीजा EWS में आप देख रहे हो, सर्टिफिकेट बन रहे हैं, युवा भाई बहन जो एक एक दो दो नंबर से रह जाते थे वो लग रहे हैं। अब हम केंद्र सरकार को जल्दी घेरेंगे क्योंकि जो गहलोत साहब ने यहाँ जमीन मकान प्लाट की शर्त हटाई है, वो हमारी मांग है कि केंद्र सरकार भी हटाए पूरे अपनी अपनी एक मिनट अरे एक मिनट को भी कर दे पाने, अपने अपनी मीटिंग जिंदाबाद, अपनी अपनी मीटिंग के अंदर आप हमेशा ये कहते हो कि मुख्यमंत्री राजपूत होना चाहिए, क्या यहाँ पर जो है आपको कोई ऐसा काबिल ऐसा आपके हिसाब से दिखा है जो अगली बार प्रोजेक्ट करे दोनों की दोनों पार्टियाँ, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ से? हम लोग सामाजिक संगठन से जुड़े हुए हैं और हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई अन्य दल हो, दल हो, भैंस दल हो, जो भी आए वो हमारी पूछ समाज की जरूर करे, क्योंकि क्षत्रियों ने आज तक खोया ही खोया है, पाया क्या है, इस देश को दिया ही दिया है, देश से लिया क्या है? सुखदेव सिंह गोगा मेडी, देखिए सुखदेव सिंह गोगा मेडी, देखिए बात करनी थोड़ी मुश्किल, अलग से समय लेंगे गोगा मेडी जी, क्योंकि आपके जो समर्थक हैं और बाकी भी जो हैं वो बात नहीं करने दे रहे, अलग से आपसे समय लेके बात करेंगे। ये तो युवाओं की चाहते, युवाओं के दिलों में राज करते हैं, इसीलिए तो पूरे भारत के क्षत्रिय एक हुए हैं। हम गाँव गाँव ढाणी ढाणी जाएंगे, हम लोग इनके बीच में जाकर के गाँव गाँव ढाणी ढाणी तक पहुँचे, इसीलिए तो आज ही आप देख रहे हैं क्षत्रियों का उत्साह। बहुत बहुत धन्यवाद गोगा मेडी जी, धन्यवाद जी। तो देखिए प्रोग्राम पूरा हो चुका है, डिसिप्लिन प्रोग्राम था, बहुत पूरा का पूरा, कोई कहीं से पत्ता तक नहीं हिला था और उसके बाद में अब जब खत्म हो गया है, सब अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो उसके समय कुछ थोड़े बहुत लोग नारे जरूर लगा रहे हैं मगर अनुशासन फिर भी है और ये सबसे बड़ी बात है किसी भी रैली के लिए जहाँ पर इतने लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अनुशासन का होना बहुत ही सीखने वाली बात है, दूसरी रैलियों को भी इससे सीखना चाहिए। सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं आपको शौर्य गर्जना के ऊपर मिल जाएंगे, शौर्य गर्जना आप देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।